मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिविल सर्विस डे के कार्यक्रम में यह माना था कि सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायत करके लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है और इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है। अब उनके इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा। नाथ ने कहा, शिवराज खुद मान रहे हैं कि उनकी सीएम हेल्पलाइन सबसे घटिया है और उसकी वजह से कितने मासूम लोगों पर झूठी कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन, जो कि आज के समय में लोगों को ब्लैकमेल करने का जरिया बन चुका है, उसके बारे में शिवराज सिंह चौहान खुद स्वीकार कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कमलनाथ ने कहा, पूरे देश में सबसे ज्यादा गिरी हुई कानून व्यवस्था इस समय कहीं की है तो मध्य प्रदेश है। मुख्यमंत्री का कानून व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है और ये बात वो खुद भी मान रहे हैं। अगर शिवराज सिंह जी खुद स्वीकार कर रहे हैं तो ये कानून व्यवस्था प्रदेश में क्या है आज सबके सामने है। और कानून व्यवस्था में सबसे गिरी हुई कानून व्यवस्था पूरे देश में मध्य प्रदेश में आज के दिन में है और शिवराज जी का इस पर ध्यान नहीं है। शिवराज जी इसको खुद ही अब स्वीकार करने लग गए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।